हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। आज है डेट 30 मई 2020। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज हर एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहली खबर है कि एक रिसर्चर्स की टीम है जिसके लीडर थे डॉक्टर सुशांत कुमार पानीग्रह। इन्होंने मैग्नीशियम अलॉय, एक मैग्नीशियम अलॉय बनाया है जो कि रिप्लेस करेगा स्टील और एल्यूमिनियम को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ये अलॉय कार्बन, जो हमारा कार्बन एमिशन है, जो जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी कम कर देगा। तो एक इको फ्रेंडली है। तो अब स्टील और एल्यूमिनियम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम अलॉय। तो ये रिसर्चर्स की टीम जिन्होंने बनाया है, ये कहाँ की है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मध्य मारा सॉरी यह है IIT मद्रास। तो ये बनाया है IIT मद्रास ने, तो ऑप्शन सी। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो कौन सी स्टेट है जिसने बैन कर दिया है? महाराष्ट्र। कौन सी स्टेट है जिसने बैन किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु से आने वाले, सॉरी, ये पांच राज्य हैं जहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से जो COVID-19 वायरस इन राज्यों में ज़्यादा फैला हुआ है। तो कौन से राज्य ने लोगों की एंट्री को बैन कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से आएंगे? तो ये है कर्नाटका, ये है कर्नाटका। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर भी लॉन्च किया है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि स्टेट हेल्थ रजिस्टर, जिसमें वो अपने सिटीजन्स का डेटाबेस तैयार करेंगे। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर पहला इस टाइप का पहला रजिस्टर है इंडिया में जो किसी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये है, ये भी कर्नाटका ने। तो अगली खबर, तो अगर आप कोई हैकर हैं या फिर कोई भी आप अगर आप तो आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप कोई सिक्योरिटी फ्लो अगर आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप कोई भी सिक्योरिटी फ्लो, जिससे कि आप कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर सकें या आप बता सकें गवर्नमेंट की कि ये लूप होल है, यहाँ पर से सिक्योरिटी जो डेटाबेस है उसको चुराया जा सकता है या कुछ भी चीज़ है कि उसको हैक किया जा सकता है आपको, तो ये सिक्योरिटी फ्लो को बताने पे कितने लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो ये इनाम दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। इनाम कितने का होगा? 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर आप आरोग्य सेतु ऐप में सिक्योरिटी फ्लॉ को फाइंड कर पाते हैं। तो अगला है कि केवी कामत, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट थे, अब इनकी जगह इनको रिप्लेस करके कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे? तो ये हैं ब्राजील के फॉर्मर डिप्टी इकोनॉमी मिनिस्टर या फिर उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर ब्राजील के मार्कोस प्रेड्रो ट्रोइजो, मार्कोस प्रेड्रो ट्रोइजो। तो इनकी जगह ये बनेंगे अब केवी कामत की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं मेंबर कंट्रीज हैं इसके, तो ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, भी शंघाई चाइना में। और एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि इनके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं अनिल किशोरा। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट बने अनिल किशोरा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। उसके अलावा तो कौन सी कंट्री की सर्वे टीम है या फिर पहली सर्वे टीम है जिसने माउंट एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उसे दोबारा से नापा? तो ये पहली ऐसा करने वाली पहली टीम है। 53 सदस्यों की एक टीम थी। तो ये किस देश की टीम है? तो ये टीम है चाइना की। तो ये है टीम
चाइना की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा से मेजर करने वाली टीम, और ये दुनिया की पहली, ऐसा करने वाली पहली टीम है, तो ये है चाइना से। अगली न्यूज, एक इंपॉर्टेंट डे, तो वर्ल्ड हंगर डे जो कि हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है हर साल 28 मई को। 28 मई आज से 2 दिन पहले मनाया गया वर्ल्ड हंगर डे, और ये दिवस जो फर्स्ट टाइम मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था, ये मनाया गया था 2011 में। तो विश्व में जो भुखमरी और दरिद्रता के हालात हैं उनको कम करने के लिए जो जो मेज़र लेने चाहिए वो कंट्रीज़ को बताए जाते हैं, और किस तरीके से हम भूख पे जीत हासिल कर सकते हैं, या हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, वो उस दिन उसके लिए स्पेशल डे है। तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। तो अगली न्यूज़, तो जो कौन ताइवान की नई प्रेसिडेंट बनी है, तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट है ताइवान की। तो अभी अभी जो रिसेंटली ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है, तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट है ताइवान की जो दोबारा से रिलेक्ट हुई है अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए। तो ये हैं तिसाई इंग वेन, ये दोबारा से ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट है ताइवान की जो कि डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती है, डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी। और जो कोविड 19 है उसमें जो ताइवान मॉडल है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। लास्ट 7 मई से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 7 मई से कोई भी नया कोविड का मामला ताइवान में देखने के नहीं मिल रहा है। तो ताइवान मॉडल की वास्तव में दुनिया में सब जगह तारीफ हो रही है। ताइवान ने कोविड पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, जबकि चाइना के, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि चाइना के कितने नियरेस्ट ये कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर को जो कोरोना वायरस है उसका प्रकोप या कोरोना वायरस उस तरीके से नहीं फैल पाया जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैल गया। तो इसमें ताइवान की एक जो अपनी पॉलिसी थी वो बहुत ही अच्छी थी, जो कि एक सफल मॉडल निकला है। अगली है, कौन सा स्टेट है जो मॉडिफाई करेगा इस अपने स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। तो इसको मॉडिफाई करने वाला, इसमें परिवर्तन करने वाला ये राज्य है महाराष्ट्र। तो इधर ये राज्य है महाराष्ट्र। तो अगली खबर, तो एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट जो रिपोर्ट है चिल्ड्रन इज इन मॉनिटरी पुअर हाउस होल्ड एंड कोविड-19 टेक्निकल नोट, जो कि इसको रिलीज़ किया यूनिसेफ एंड सेफ चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। तो इन्होंने बताया है कि 2020 में कितने चिल्ड्रन हैं जो कि ट्रैप हुए हैं, या फिर जो कि किसी ट्रैप में या फिर पुअर हाउस होल्ड या ये फंसे हैं। तो ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो कि ट्रैप्ड हुए हैं 2020 में, वो हैं 672 मिलियन चिल्ड्रन जो कि ट्रैप्ड हुए हैं। और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, या इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 177 मिलियन का जो लोन दिया है, ये किस राज्य की सड़क के निर्माण के लिए, किस राज्य की सड़क के निर्माण के लिए इसको दिया गया है, तो ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की सड़क निर्माण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है 177 मिलियन का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका जो कि सॉरी अभी हमने देखा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, इसका शंघाई बीजिंग में है, और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, इसका है फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर, और एक जापान डोमिनेटिंग बैंक है। अभी एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ये अलग बैंक है। तो आप तीनों बैंक में कन्फ्यूज मत होइएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, और तीसरा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो तीन बैंक हैं, तीनों लगभग लगभग जैसे साउंड करते हैं, तो तीनों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का है फिलीपींस, मनीला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है यह बीजिंग, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का है शंघाई। तो इससे जो इस राज्य के 11 स्टेट हाईवे और 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाई जाएंगी, लगभग 450 किलोमीटर की 2 लेन। तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र को सरकार देगी ये पैसा जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है। तो फिच रेटिंग के अनुसार भारत की 20 फाइनेंशियल ईयर 21 जो आने वाला वित्त वर्ष है, ये वित्त वर्ष जो चल रहा है 2021, इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, जो फिच रेटिंग है इसने जो अनुमान लगाया है। तो इस वक्त भारत की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है फिच के अनुसार वो है 5%। जो फिच है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, इनके फाउंडर थे जॉन नोलेस फिच, और इसको इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, और इनके सीईओ हैं पॉल टेलर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा फिच रेटिंग के बारे में। तो हेल इंडिया, हेल इंडिया जो कि 25 टन पेस्टिसाइड किस कंट्री को देगी ताकि वो लोकस्ट कंट्रोल, जो टिड्डियों पे जो कि आजकल आप देख ही रहे होंगे इंडिया में बहुत ही न्यूज़ पे कि टिड्डियों का प्रकोप चला है, तो लोकस्ट अटैक से बचने के लिए, लोकस्ट अटैक जो टिड्डियों का आतंक है उससे इस कंट्री को बचने के लिए 25 टन जो पेस्टिसाइड है वो किस देश को देगी, HIL इंडिया। तो ये है ईरान, तो ईरान को हम सप्लाई करेंगे 25 टन पेस्टिसाइड्स। नरेंद्र बत्रा जो कि नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया गया है ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में, तो ये प्रेसिडेंट किस इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये किस इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये हॉकी, आप देख रहे हैं हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है, और इन्हें ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर भी नियुक्त किया गया। उसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा इनके बारे में। और तो आज के दिन 30 मई को कुछ इम्पोर्टेंट दुनिया में क्या घटित हुआ था, तो 1968 में डेकोरेशन डे, जिसे बाद में एमडी डे जो नॉर्थ यूएस स्टेट है वहाँ पर को मेमोरियल डे के रूप में भी मनाया जाता है 1868 30 मई 1868 से, तो मेमोरी डे जो कि नॉर्थ यूएस स्टेट में मनाया जाता है। उसके साथ साथ 1913 आज ही के दिन 1913 में जो फर्स्ट बाल्कन वार है वो ख़त्म हो गई थी, जो ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुई थी ग्रेट पावर ऑटोमन एम्पायर और बाल्कन लीग के बीच में। बाल्कन लीग में ये कंट्री आती थी सर्बिया, ग्रीस, किंगडम ऑफ बुल्गारिया और मॉन्टेग्रो। तो बाल्कन लीग और ओटोमन एम्पायर के बीच में लंदन ट्रीटी साइन हुई थी और फर्स्ट बाल्कन वॉर का समाप्त हो गई थी 1930 में आज ही के दिन। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों ये COVID-19 की सिचुएशन में आप अपना ध्यान अच्छे से रखिए, और जितना हो सके आप अपने आस पड़ोस में जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे उनको समझाइए, बताइए उनको कि ये पैनिक सिचुएशन नहीं है लेकिन हमें किस तरीके से इसमें प्रिकॉशंस लेनी है। दोस्तों इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।